हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमार पटेल है। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इलेक्ट्रीशियन संबंधी अदर जानकारी हम आपको अपने इस चैनल पे आपको जानकारी देंगे। इसमें हम एसी थ्योरी डीसी थ्योरी डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग आदि जैसे प्रैक्टिकली जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए, हम आपको संक्षिप्त में कुछ मोटरों की जानकारी देते हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो अर्थात फ्यूचर में आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एसी स्क्वायरल केज मोटर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा सिंक्रोनस मोटर, और उसके बगल में हमारा रखा हुआ डीसी कंपाउंड जनरेटर है। यह हमारा डीसी जनरेटर है जो एसी मोटर के साथ कंपाउंड किया गया है। और ये हमारा डीसी शंट मोटर है। ऐसे क्रमवार तरीके से हम आपको धीरे धीरे कुछ और मोटरों की जानकारी देना चाहते हैं। और ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है, और जैसे क्रमबद्ध तरीके से हम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुछ मोटरों को दिखाएंगे, जिसमें हम भविष्य में आपको डीपली जानकारी देंगे अपने अनेक वीडियो में डीपली जानकारी और प्रैक्टिकली जानकारी देंगे। और ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, जिसे हिंदी में हम समकालीन मोटर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा मोटर है यूनिवर्सल मोटर, जो सर्वव्यापी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। और इस यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर के भी नाम से जानते हैं। और ये हमारा सिंगल फेज एसी मोटर है स्क्वायरल केज, जैसा देख रहे हैं हमारा ये एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। और उसके नेक्स्ट जो है रखा हुआ मोटर है वह थ्री फेज एसी स्लिपिंग मोटर है। जैसा ये कपलिंग किया हुआ दो मोटर है, जिसमें एक एसी है और एक डीसी है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा ये वाला मोटर एसी है और ये वाला डीसी है, और इसमें एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। ये हमारा एसी डीसी शंट जनरेटर है, जिसके साथ हमारा एसी मोटर कनेक्ट किया गया है। जैसा कि आप नेक्स्ट में मोटर देख रहे हैं, जो डीसी कंपाउंड मोटर है आगे बस। और ये हमारा डीसी शंट मोटर है, जो डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। यह हमारा पैनल बोर्ड है, जिसमें स्टार्टर लगा है, जहाँ से हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम आपको कुछ मोटरों के बारे में जानकारी दिए हैं, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारे फ्रेंड रितेश जी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, उसकी प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों जानकारी देंगे आपको। इसलिए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। ओके, जैसा कि दोस्तों हम यह कहना चाहते हैं अपने आखिरी में कि YouTube पे ITI संबंधी और पॉलिटेक्निक संबंधी जो हिंदी में जो मतलब थ्योरेटिकल वाले या प्रैक्टिकली जानकारी होती है, हमें बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए मेरा दूसरा उद्देश्य यह भी है कि आप लोगों को हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश की करें। सर, जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रितेश मेरे जो फ्रेंड हैं वो लेकर आएंगे आपको। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पहला वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके दोस्तों कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्त, गुड बाय। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है।